नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। बेटी एक तू ही तो है जो मेरे मन की सुनती है। मैं अपना दुख तुझे कह कर दिल को हल्का कर लेती हूँ, वरना तेरी भाभी ने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर रखा है। उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, कोई काम ढंग से नहीं करती है। काव्या तू घर से क्या गई, तेरी मम्मी के चेहरे से हंसी ही गायब हो गई है। एक तू ही तो है जो अपनी मम्मी को समझती है, कभी अपनी भाभी को भी समझा दिया कर, हमेशा मुझसे लड़ती रहती है, शांति जी ने अपनी बेटी काव्या को फोन पर कहा। काव्या को यह सब सुनने की आदत हो गई थी। उसकी मम्मी रोज उसकी भाभी नेहा की बुराई फोन पर करती थी। जब तक वह नेहा की बुराई ना कर ले, उनका खाना हजम नहीं होता था। मम्मी अभी मैं राजू को ट्यूशन छोड़ने आई हूँ, घर पहुँचते ही बात करती हूँ, यह कहकर काव्या ने फोन काट दिया। उसके फोन काटते उसकी भाभी नेहा का फोन आ गया। दीदी अब एक आप ही तो हो, आपसे अपने मन की हर बात शेयर करती हूँ। आज भी मम्मी जी ने मुझसे लड़ाई कर ली। अब दो बच्चों की माँ हूँ, काम देर सवेर तो हो ही जाता है, अकेली लगी रहती हूँ। जब आपको ही अपनी बड़ी दीदी मानती हूँ, इसीलिए कह देती हूँ। आप जरा मम्मी जी को समझाइए, रोज घर में क्लेश होता है। हाँ भाभी, अभी मैं राजू को ट्यूशन छोड़ने आई हूँ, मैं घर पहुँचते ही आपसे बात करती हूँ। और काव्या ने फोन रख दिया। उसने अपने बेटे राजू को ट्यूशन छोड़ा और कुछ जरूरी सामान मार्केट में लेने चली गई, और एक घंटे बाद राजू को ट्यूशन से आते वक्त ले आई। जैसे ही घर में पैर रखा, शांति जी का फोन फिर से आ गया। मैं तो तेरी भाभी से तंग आ गई हूँ, अब मुझे चाय पीनी है, और महारानी बच्चों की पढ़ाई का बहाना लेकर बैठ गई है, और उधर तेरे पापा मुझ पर चाय के लिए गुस्सा हो रहे हैं। ऐसी बहू आई है कि सास ससुर का जरा भी ध्यान नहीं रखती है। काव्या ने फिर कहा, मम्मी मैं राजू को ट्यूशन से लेकर आई हूँ, उसे भूख लगी है, मैं रात को आराम से बात करती हूँ। और काव्या ने फिर फोन रख दिया। उसका सिर दर्द होने लगा, एक कप अदरक की चाय बनाई और अपने कमरे में लेकर चली गई। आज नरेंद्र भी जल्दी घर आ गए। क्या हुआ, यह सिर पकड़कर क्यों बैठी हुई हो, उसने अपनी पत्नी से पूछा। नरेंद्र बाकी बेटियों का मायके से फोन आता है तो वह खुश हो जाती हैं, उनका चेहरा खिल जाता है, पर मेरा तो सिर दर्द होने लगता है। रोज मायके में झगड़ा होता है और रोज मेरे पास फोन आ जाता है, ना मम्मी समय देखती हैं और ना ही भाभी, दोनों अपना झगड़ा रोज फोन पर सुना देती हैं। यह दोनों आपस में अपनी लड़ाई झगड़े क्यों नहीं सुलझाती हैं? काव्या ने नरेंद्र के कंधे पर सिर रखते हुए बोली। काव्या, इस तरह फोन पर झगड़े सुलझते नहीं हैं। इस बार तुम जब भी मायके जाओ तो मम्मी जी और भाभी को एक ही कमरे में बैठा लेना और दोनों के बीच आमने सामने बात कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। नरेंद्र, यह इतना आसान बात नहीं है। मम्मी और भाभी मेरी बात मानेंगी ही नहीं। ठीक है, जब वह बात नहीं मानेंगी तो उन्हें बोल देना कि मुझे बीच में लाने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों अपने मसले खुद ही सुलझाओ, नरेंद्र ने कहा। काव्या को यह बात जच गई, पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मायके की बातें और मायके में बिताए गए दिन दिमाग में घूम रहे थे। शांति जी के एक बेटा और एक बेटी हैं। काव्या उनकी बड़ी बेटी है, जिसकी शादी करीब 7 साल पहले नरेंद्र से हुई थी। काव्या के छोटे भाई प्रेम की शादी नेहा के साथ हुई थी। काव्या का ससुराल उसी शहर में था। जब नेहा आई थी तो शांति जी उसकी बहुत तारीफ करती थी, लेकिन शादी को जैसे जैसे समय बीत रहा था, दोनों सास बहू के झगड़े बढ़ते जा रहे थे। पहले नेहा अकेली थी तो सारा घर अकेले संभाल लेती थी, लेकिन जब से वह जुड़वा बच्चों की माँ बनी है, तब से वह घर से ज़्यादा अपने समय अपने बच्चों को देने लगी है। अब दोनों बच्चे नर्सरी में पढ़ते हैं, उनको स्कूल लाने, ले जाने और पढ़ाने की जिम्मेदारी नेहा की ही है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि नेहा बच्चों को ज़्यादा समय देती थी और सास ससुर की एकदम से उपेक्षा करने लगती थी। शांति जी अक्सर यही शिकायत करती थी कि बहू के अपने बच्चे हो गए हैं, वह अपने बूढ़े सास ससुर की परवाह क्यों करेगी। काव्या यह सब सुनती रहती थी। सालों हो गए पर अब दोनों सास बहू के झगड़े बढ़ने लगे थे।
यह रोज की बात हो गई थी। अगली सुबह उठी और अपना बैग पैक किया और राजू को साथ लेकर अपने मायके चली गई। अपनी दीदी को अचानक देखकर प्रेम को हैरानी हुई तो शांति जी ने उसे गले लगा लिया और बहू को आवाज दी, पर नेहा नहीं आई तो वह चिढ़ गई। सब बहानेबाजी है, ननद आई है तो सुनकर भी अनसुना कर रही है, यह नहीं कि चाय नाश्ते का इंतजाम करे, जाने कहाँ लगी हुई है। काव्या चुप रही और नेहा के कमरे में गई तो देखा वह बाथरूम में दोनों बच्चों को नहला रही थी और पानी की आवाज में उसे शांति जी की आवाज सुनाई नहीं दी। वह कमरे से आकर वापस बोली, मम्मी भाभी बच्चों को नहला रही हैं, आप बेवजह उन पर शक करके कड़वी बातें सुना रही हो, अब बच्चों को अकेले बाथरूम में छोड़कर कैसे आएंगी। अच्छा मम्मी आपके घुटनों का दर्द कैसा है, काव्या ने पूछा। ठीक तो है, फिर भी मंदिर तो चली जाती हूँ। मम्मी जब आप मंदिर जा सकती हो तो रसोई में भी जा सकती हो, मुझे आज आपके हाथों की चाय पीनी है और एक कप भाभी के लिए भी बना देना। लेकिन मैं चाय क्यों बनाऊँ, तेरी भाभी बनाएंगी ना। क्यों मम्मी, आप भी तो कभी कभी चाय बना सकती हैं, भाभी बच्चों के काम में लगी हुई है, मुझे तो आपके हाथों की ही चाय पीनी है। शांति जी उठकर रसोई में गई, इतने में नेहा बच्चों को लेकर आ गई। वह दोनों बुआ के गले लग गए। नेहा ने पैर छुए और बोली, आप बैठिए मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। वो उठने लगी थी कि शांति जी चाय की ट्रे लेकर आई। नेहा को आश्चर्य हुआ, वह समझ गई थी कि यह काव्या दीदी की ही काम है। नेहा शाम को खाना बना रही थी तो उसने देखा मम्मी चुपचाप बैठ से कर टीवी देख रही थी और भाभी अकेले लगी हुई हैं। बीच में आकर दोनों बच्चे परेशान कर रहे हैं, उससे नेहा चिड़चिड़ी हो रही थी। वह रसोई में गई और सब्जियां लेकर आ गई। मम्मी आप यह सब्जियां काट दो, मैं भाभी की मदद करवा देती हूँ, अकेली कब तक काम करेंगी, वह बच्चे भी छोटे हैं। तभी शांति जी बोलती हैं, अरे रहने दो, मैंने भी बच्चे पाले हैं, यह तो आजकल की बहुओं को नखरे हैं, बस बच्चों का बहाना चाहिए, काम तो इनसे होता ही नहीं है। कितने से लोग हैं, मैं तो संयुक्त परिवार में रहती थी और इतने लोगों का खाना भी बनाती थी, इससे इतना भी नहीं होता है। मम्मी आप संयुक्त परिवार में रहते थे तो बच्चे भी इतने लोगों के बीच में पल गए थे, पर मैं सुबह से देख रही हूँ, भाभी घर का काम संभाल रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, उन्हें दूध पिलाना, नहलाना और खाना खिलाने का काम वह अकेले ही कर रही हैं, आपने और पापा ने एक बार भी बच्चों को नहीं संभाला, काव्या ने कहा। हम उसके बच्चे क्यों संभाले, वह तो हमारा कुछ करती ही नहीं है, खाना बनाकर कौन सा एहसान करती है, ना कभी मेरे घुटने में मालिश करती है, ना सिर में तेल लगाती है, उसे अपने बच्चों की परवाह है तो अपने बच्चे का ही करे, शांति जी ने कहा। मम्मी आप यह कैसी बातें कर रही हैं, नेहा भाभी बच्चों में ही इतना थक जाती हैं, वह आपके लिए कैसे समय निकालेंगी, और वह आपके भी पोते पोती हैं, आप बच्चों को बैठा कर खाना खिला दें, पापा उन्हें पढ़ा दे तो भाभी का काम हल्का हो जाएगा और वह आप लोगों को भी ज्यादा समय दे पाएंगे। आप दोनों के रोज की लड़ाई झगड़े से जब मैं परेशान हो जाती हूँ तो प्रेम और पापा का क्या हाल होता होगा, सास बहू केवल लड़ती ही रहेंगी तो उनकी गृहस्थी कैसे चलेगी। आप दोनों का साथ रहना है तो एक दूसरे का काम करके चलना होगा और यही सुख शांति का एक मंत्र है। आपस में एक दूसरे से शिकायत करो और जो गलत है वह माफी मांगे, कोई भी बात दिल में नहीं रखे, लड़ने झगड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। सब कुछ ऐसे ही चला तो वह दिन दूर नहीं जब भाभी आपसे अलग हो जाएंगी। मम्मी मैं यह नहीं कह रही हूँ कि सब गलती आप ही की है, कुछ गलती नेहा भाभी की भी है, वह भी आप लोगों का ध्यान नहीं रखती है। मैंने आपकी पिछली कुछ फोटो में देखा था, नेहा भाभी अपने बच्चों और प्रेम के साथ हर वीकेंड पर घूमने निकल जाती हैं, कभी आपको और पापा को उनके साथ में नहीं देखा, यह भी तो गलत है, क्या सास ससुर के प्रति इनका कोई फर्ज नहीं है। मैंने देखा इन्होंने जो भी दो दिन में नाश्ता बनाया
सब बच्चे और प्रेम की पसंद का बनाया है। क्या सास ससुर की कोई पसंद नहीं होती है? हर सास को उम्मीद होती है घर की बहू उसकी पसंद का भी कुछ बनाए। वह भी तो सारी उम्र अपने बच्चों के लिए बनाती आई है। नेहा इतनी देर से खुश हो रही थी जब काव्या अपनी मम्मी की गलतियां बता रही थी, और जैसे ही काव्या ने नेहा की गलतियां बताई तो उसकी आंखें शर्म से झुक गई, क्योंकि वह कुछ गलत नहीं कह रही थी। आप दोनों प्यार से मिलकर रहेंगे तो मुझे भी यहाँ आना अच्छा लगेगा। हर बेटी को यह बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि उसकी मम्मी और भाभी आपस में लड़ती रहें और एक दूसरे की बुराई करती रहें। हर बेटी यही प्रार्थना करती है कि उसका मायका खुशहाल रहे, उसकी मम्मी अपनी बहू को इतना प्यार दे और बहू सास का इतना ख्याल रखे कि बेटी को भी याद न करें। जब भी फोन पर बात हो सास बहू एक दूसरे की तारीफ करें ताकि मायके आने के लिए बेटी का मन मचल जाए। मम्मी, मैंने इतने दिनों यह भी देखा कि आप भाभी पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं करती हो। घर के राशन की सब्जियों के खर्चे सब जिम्मेदारी आपने ली हुई है, कभी भी भाभी के हाथों में एक रुपया भी नहीं देती हैं। उनको हर छोटे खर्चे के लिए आपसे रुपया लेने होते हैं। मुझे तो आप हर महीने खर्चे के पैसे देती थी, फिर भाभी को क्यों नहीं देती हैं? प्रेम की कमाई पर उनका भी हक बनता है। भाभी को देखो, गले का और हाथ में कुछ भी नहीं है। आपने सोने के गहने लाकर में रखवा दिए हैं, क्या भाभी का पहनने का मन नहीं करता होगा? मम्मी, भाभी इस घर में आई हैं, हम उन्हें लेकर आए हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका ख्याल रखें, उन्हें हर खुशी दे। आपको तो रहना है आपकी बहू के साथ, मैं कितने दिन आऊंगी? सेवा तो बहू को ही करनी है, आप बहू से बनाकर रखिए। और नेहा, तुम भी अपनी सास से बनाकर रखो, दोनों एक दूसरे से निभा कर चलो। आप दोनों को साथ रहना है, एक दूसरे पर विश्वास रखो, एक दूसरे का करके चलो, प्यार में साथ रहो, मुझे भी अच्छा लगेगा। जब भी मैं मायके आऊं तो मुझे अच्छा लगना चाहिए। आप दोनों के झगड़े सुलझाने आई थी और अब मुझे जाना है। काव्या ने अपनी बात खत्म की। काव्या दीदी, आपने मेरी आंखें खोल दी। सारी गलतियां मम्मी जी की ही नहीं हैं, कुछ गलतियां मेरी भी हैं, मैं उन्हें सुधारी। फिर उसने अपनी सास शांति जी से माफ़ी मांगी और शांति जी ने उसे आगे सहयोग देने और प्यार देने का वचन दिया। ऐसी बेटी और ऐसी ननद हर घर में हो तो वह घर स्वर्ग बन जाएगा। दोनों ने काव्या को धन्यवाद दिया। दोनों सास बहू हर बात गिले शिकवा भुलाकर आपस में गले लग गई। आज काव्या भी बहुत खुश थी और सुलह करवा के वह अपने घर चली आई। सास बहू के बीच झगड़े होना आम बात है, लेकिन घर की बेटी चाहे तो वह इस झगड़े की आग को और ना भड़का कर बुझा सकती है, ताकि उसके मायके में भी खुशहाली और शांति बनी रहे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।